ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी साल 2024 का पहला महीना जनवरी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार जाने वाला है, ग्रहों के माध्यम से किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। वर्तमान समय में बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में प्रतिकूलताएं चल रही है और समस्याएं भी चल रही है। दो विशेष सावधानियों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं जनवरी 2024 में आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। पूरे जनवरी के महीने में बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। शनि आपके सप्तम भाव यानी केंद्र में मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं और पंच महापुरुष योगों में से एक राजयोग सस नाम का राजयोग भी बनाने वाले हैं। राहु देव अष्टम भाव पर, केतु देव धन भाव पर पूरे महीने भर गोचर करेंगे। सिंह राशि वाले जातकों की राशि को नियंत्रित रखने वाले सूर्यदेव 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे और पंचम भाव पर मंगल के साथ रहने वाले हैं और 14 जनवरी को इनका परिवर्तन हो जाएगा, ये आपके छठवें भाव पर चले जाएंगे। 7 जनवरी 2024 तक बुधदेव आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे, सुख भाव पर, और 8 जनवरी से आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव, संतान भाव पर आ जाएंगे। दर्शकों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जनवरी का महीना क्या कुछ खास प्रदान करने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से किस प्रकार रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं और शुक्रदेव 17 तारीख तक आपके दशम भाव को ही प्रभावित कर रहे हैं और सिंह राशि वाले जातकों के भाग्य भाव पर बृहस्पति का गोचर इस समयावधि में हो रहा है। तो साल की जो शुरुआत हो रही है, जनवरी का जो महीना है, कर्म क्षेत्र के मामले में अनुकूल परिणाम दे सकता है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में प्रमोशन की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। कर्म भाव पर शुक्र का प्रभाव महीने के मध्य तक बना हुआ है, इसकी वजह से क्रिएटिव क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाला है। संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं उसके लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है। जनवरी में यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, सफलता की संभावना बनेगी। उसके साथ साथ कुंडली का पराक्रम भाव काफी ज्यादा प्रभावी बना हुआ है, इसकी वजह से इस समयावधि में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध बने हुए बेहतर रहेंगे, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो
तो सिंह राशि वाले जातकों, धन भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं बुध देव, और बुध की अवस्था जो है वो आपके चतुर्थ और पंचम भाव पर रहने वाली है। उसके साथ साथ राहु देव जो हैं वो आपके धन भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, और केतु देव आपके धन भाव पर ही प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए कहा जा सकता है कि इस समयावधि में अच्छा खासा धन लाभ के अवसर आपको मिलने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने जीवन में धन कमाने के साथ साथ धन बचाने में भी समर्थ रहने वाले हैं। शनि के सप्तम भाव पर प्रभावी होने से इस समयावधि में आमदनी में इजाफा, कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। राहु का संबंध व्यय भाव से बन रहा है, तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में अच्छा खासा धन खर्च होने की संभावना भी बनने वाली है। इस समय अंतराल में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं, सोच विचार कर निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आपके द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं वो 7 जनवरी तक तो बेहतर अवस्था में हैं, और 7 जनवरी के पश्चात आपके पंचम भाव पर प्रबल शत्रु के साथ युति बनाने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को जनवरी के महीने में संभल कर चलने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेद से आपको जीवन में जरूर बचना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारी आपके जीवन में बढ़ने की संभावना भी बनने वाली है। जनवरी के शुरुआती समय में यानी शुरुआती 10 दिन आपके जीवन में पारिवारिक स्थितियों को लेकर काफी अच्छा और शुभ संकेत देने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों, पंचम भाव प्रेम जीवन के लिए जिम्मेदार होता है, और आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, और बृहस्पति आपके 9th हाउस पर प्रभावी अवस्था में बेहतर अवस्था में रहेंगे, और नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को प्रभावित करने वाले हैं। जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं, प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह समय काफी उत्तम रहने वाला है, काफी सकारात्मक रहने वाला है। रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ने वाली है, और शुभ संकेत आपके लिए ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों, महीने के मध्य तक वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा, पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ सौहार्द पूर्वक स्थितियां ज्यादा बनी हुई रहने वाली है, और 15 जनवरी 2023 के पश्चात संभल कर ज्यादा चलने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव भी आपको परेशान कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव निकलकर सामने आ सकता है। शुक्र की अनुकूल अवस्था, बृहस्पति की अनुकूल अवस्था सिंह राशि के अविवाहित जातकों के लिए नई सौगात निर्मित करेगी। जो जातक विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उनके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी आने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों सेहत का विचार राशि के 6वें भाव से करते हैं, तो यहां पर देखिए शनि की जो स्थिति आपके लिए है, यानी 6वें भाव के स्वामी शनि बनते हैं, वो काफी बेहतर बनी हुई है। लेकिन सूर्य देव जो आपके राशि के नियंत्रित रखने वाले आपके राशि के स्वामी बनते हैं, सूर्यदेव 15 तारीख तक अच्छी अवस्था में रहेंगे, उसके पश्चात आपके 6th हाउस पर प्रभावी होने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों को महीने के मध्य तक उत्तम स्वास्थ्य मिलने वाला है। मन से आप काफी ज्यादा मजबूत रहेंगे, शारीरिक रूप से उत्साह देखने के लिए मिलने वाला है।
16 तारीख के पश्चात आपको खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी बचकर चलना चाहिए। खुद को स्वस्थ और फिट बनाए रखने के लिए दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना सिंह राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व दो विशेष सावधानियों की जानकारी हम सिंह राशि वाले जातकों को दे रहे हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग क्रोध पूर्वक स्थितियों में आकर नहीं करना चाहिए, तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। और दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर स्थितियां जीवन के हर क्षेत्रों में निर्मित करने के लिए आलस्य पूर्वक स्थितियों से बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में जिस कार्य को आपने जितने समय पर निर्धारित किया है, समय प्रबंधन का ध्यान रखकर उस कार्य को उतने समय में आपको जरूर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, रोजाना सूर्यदेव को जलाभिषेक करना बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना काफी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।